नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भोपाल से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा जी। सर, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, आज किस तरह का मंत्र दिया गया कार्यकर्ताओं? देखिए, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 का विकसित भारत कैसा हो, उसको आज संगठन की बैठक में हमने बताया है। तो कार्यकर्ताओं को यही मूल मंत्र दिया है कि हम सभी लोग चरैवेति चरैवेति के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए जनता के बीच में जाएं, समाज के बीच में जाएं, लाभार्थियों के बीच में जाएं, हितग्राहियों के बीच में जाएं। और देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो जन कल्याणकारी काम किए हैं उसके बारे में उनसे संवाद करें। हम जनता के बीच में जा रहे हैं बूथ विजय अभियान के तहत, और जाकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम राम पहुंचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको राम राम पहुंचाया, तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिल रहा है। आज भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने भोपाल लोकसभा के 2000 से अधिक मतदान केंद्रों को ऊपर हम 370 से अतिरिक्त बूथ वोट कैसे प्राप्त करें, इस कार्य योजना के ऊपर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। कार्यकर्ता जाएंगे पन्ना प्रमुख, उस पन्ने के ऊपर काम करके इस लोकसभा चुनाव में हर मतदान केंद्र से 370 अतिरिक्त बूथ के लिए वोट के लिए काम करेगा, तो निश्चित रूप से भोपाल लोकसभा में अभी तक जितनी लीड भोपाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को देती थी, मैं समझता हूँ वो ये लीड टूटेगी और इस बार लीड बढ़ाने का काम भोपाल की जनता। सर, आप चौक से आते हैं, बर्रू भोपाली नाम आपके लिए काफी उपयुक्त बताया जाता है, क्या है इस शब्द का शाब्दिक? देखिए, पहले गांव होते थे, गांव के बाद शहर बसे, शहर जब बसे तो उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बना। तो भोपाल का जो पुराना भोपाल है, भोपाल बहुत छोटा हुआ करता था, कमला पार्क के आगे जंगल था, VHL का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय बर्रू उगती थी। तो बर्रू भोपाली की डेफिनेशन अलग है, बर्रूकंड भोपाली की डेफिनेशन अलग है, जलकुंभी की डेफिनेशन अलग है। इसके बारे में अगर लंबी व्याख्या अगर किसी ने की है तो वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मदन मोहन जोशी का अगर आलेख पढ़ेंगे तो वो बर्रू कार्ड जलकुंभी के बारे में बेहतर बता सकते हैं। चूंकि मैं पुराने शहर से आता हूं, मेरी 4 पीढ़ी भोपाल में रही है, जब बर्रू कटता था तो मेरे को बहुत फक्र होता है कि मैं भी इधर उधर से नहीं आया, मैं भी पुराने शहर में ही, मेरा पुराने शहर का जो सुल्तानिया जनाना अस्पताल है वहीं मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं बर्रूकट भोपाली हूँ। क्योंकि चौक क्षेत्र से आता हूँ, वहां की गलियों में खेल कूद करके मैं कंचे खेल के, पतंग उड़ा के, साइकिल चला के बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे सपनों का भोपाल, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, उस दिशा में हम लोग काम करें। आखिरी सवाल मेरा, की कांग्रेस ने अभी तक नाम घोषित नहीं किया, क्या लगता है आलोक शर्मा जी के सामने थोड़ा सा सोचने का विषय बन रहा है? देखिए, कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है, ये बात जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी में हताशा और निराशा का दौर चल रहा है, कांग्रेस में एक तरह से भगदड़ मची हुई है। अब कांग्रेस किसको लड़ाएगी, ये उनका इंटरनल मैटर है, जनता जवाब देगी, जनता को कि सब का सांसद कैसा, उस जनता का आशीर्वाद भोपाल के बेटे को मिलेगा। 3 बार के सांसद चौक से ही आते, चौथा आपको मान लिया जाए? देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पुराने भोपाल से मेमुना सुल्तान भोपाल की सांसद बनी। मैं जिस मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ है वहां से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा देश के सांसद बने और एक कालखंड में तो देश के महामहिम राष्ट्रपति बने। मैं जिस मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ है वहां केन प्रधान साहब का घर मेरे घर के सामने ही है, जब मेरी शादी हुई तो केन प्रधान जी सांसद के रूप में आए। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली कार्यकर्ता समझता हूं कि ऐसे समय जब पूरे देश और दुनिया के में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के कार्यों का डंका बज रहा है, ऐसे समय चौक के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भोपाल की जनता जनार्दन भोपाल के बेटे को आशीर्वाद देगी। अब भोपाल और सीहोर लोकसभा मेरा परिवार बनने जा रहा है, वो परिवार के बेटे को निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आलोक शर्मा जी, आपको बता दें चौक का बेटा हूँ ऐसा उन्होंने कहा, और हमने उनसे जानने की कोशिश भी की आखिर बर्रू भोपाली आपके लिए नाम पर्याप्त क्यों कहा जाता है। तो इस पे उनका कहना था कि मेरी 4 पीढ़ी भाजपा के लिए समर्पित है और आगे अब हम मोदी के रणनीति पर आगे बढ़ेंगे, 400 पार का नारा भी पूरा करेंगे और इस तरीके की बैठकें आए दिन चलती रहेंगी जिसमें हम कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देते रहेंगे। बने रही मृदुभाषी के साथ, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, मैं रश्मि जैन, भोपाल।